नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो अभी बैठे बैठे मुझे एक बात याद आई, इसलिए मैं आपको क्या है थोड़ा बता देता हूँ, वरना क्या आपको आगे एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो PTT एग्जाम में जो काउंसलिंग होगी उसमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, वो होना आपके पास जरूरी है। अगर वो नहीं होते हैं तो फिर क्या एंड टाइम पर वो बनेंगे नहीं और फिर आपका एडमिशन निरस्त हो जाएगा, क्योंकि 2 साल से क्या जो रिपोर्टिंग होती है काउंसलिंग के बाद में, कॉलेज मिलने के बाद में, वो ऑनलाइन हो रही है। ठीक है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग में क्या होता है कि आपको उसी टाइम सारे डॉक्यूमेंट देने होते हैं, और अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट का हर साल एडमिशन कैंसिल होता है, क्योंकि पहले क्या ऑफलाइन रिपोर्टिंग होती थी और वहाँ पर अगर आपके पास माना कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं था तो आपके कॉलेज वालों को बोल देते थे कि मैं 10 दिन के अंदर आपको क्या उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन ऑनलाइन जो रिपोर्टिंग होने लगी है उसके बाद में ये रूल कैंसिल हो गया, क्योंकि अभी क्या आपको हाथों हाथ अपलोड करना होता है साइट पर सारे डॉक्यूमेंट, उसके बाद ही आपका एडमिशन होता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कॉलेज मिलने के बाद में कॉलेज में जाकर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होते थे, तो वहां पर हम कॉलेज से छूट ले लेते थे कि 10 दिन में हम उपलब्ध करवा देंगे अगर कुछ नहीं है तो। लेकिन अब देखो मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या आपको जरूरी है। ठीक है, एक बात और, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन में 10 वीडियो बना दूंगा अब काउंसलिंग होगी अब नहीं होगी, मैं वीडियो कम बनाऊंगा लेकिन एकदम सटीक और सही बनाऊंगा, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे जो भी PTT के स्टूडेंट है। अब देखो काउंसलिंग की प्रक्रिया तो अगले वीक के बाद में स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी थोड़ा वेट करें काउंसलिंग के लिए, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है वो अभी बनाने स्टार्ट कर दें, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो खास करके कास्ट सर्टिफिकेट है, EWS का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जो भी स्टूडेंट EWS का है वो क्या है, जो वित्त वर्ष है अभी 2022-23, इसका क्या है कास्ट सर्टिफिकेट बना लें, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लें, जाति प्रमाण पत्र। और जो भी OBC का स्टूडेंट है वो क्या है, अगर उसका जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल से पुराना है तो आप नया बनवा लें, ताकि क्या आपके और भी काम आ जाए। ठीक है, 1 साल से अगर पुराना है तो आप नया बनवा लें, वरना एफिडेविट वगैरह लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप अगर 1 साल से पुराना है OBC का सर्टिफिकेट तो आप क्या नया बनवा ले। ST SC वालों को क्या है, अगर जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ है तो उनको दोबारा बनवाने की कोई भी जरूरत नहीं है, उनका पुराने वाला ही चल जाएगा। लेकिन OBC वालों का अगर 1 साल से पुराना है तो वो नया बनवा ले, क्योंकि फिर ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग के टाइम अगर चाहिए होगा हाथों हाथ नहीं बनेगा, तो आप अभी बनवा ले। ठीक है, और 1 साल से पुराना है OBC में तो वो बनवा ले, और अगर EWS का वित्त वर्ष 2022-23 का नहीं बनवाया हुआ तो वो भी बनवा ले, क्योंकि वो सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट चाहिए जाति प्रमाण पत्र है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बिना आपका एडमिशन किसी भी हालत में नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी डॉक्यूमेंट है जैसे मार्कशीट वगैरह, जो 3 साल की मार्कशीट होती है वो दो साल की तो आपके पास होगी, और अगर फाइनल में अगर आप अपियरिंग है तो वो रिजल्ट आने के बाद में जो इंटरनेट कॉपी आएगी वो चल जाएगी, क्योंकि मार्कशीट इतनी जल्दी तो आने वाली नहीं है, तो जो इंटरनेट कॉपी है वो चल जाएगी। बाकी आपको जो मूल निवास वगैरह तो चाहिए नहीं, लेकिन ये मेन है सबसे, जाति प्रमाण पत्र। इसके बिना तो आपका एडमिशन 1% भी नहीं हो सकता। बाकी डॉक्यूमेंट क्या है आपके पास उपलब्ध भी हो जाते हैं, लेकिन ये इतना जल्दी उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि कई जगह तो EWS का सर्टिफिकेट बनने में 1-1 महीना लगा देते हैं। ठीक है, और कई जगह हो सकता है जल्दी बन जाए, इसलिए आप अभी डॉक्यूमेंट खास करके जाति प्रमाण पत्र हाथों हाथ क्या है तैयार करवा ले। बाकी डॉक्यूमेंट तो आपको क्या है जो यूनिवर्सिटी है वहां से मिल जाएंगे, मार्कशीट वगैरह यानी होगी भी हो आपके पास, लेकिन जाति प्रमाण पत्र आप बनवा लें। और जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, ऐसा नहीं है कि मैं दिन में 10 वीडियो बनाऊँ, कितनी कट ऑफ रहेगी, कट ऑफ वगैरह कुछ भी नहीं रहती है, बस एक सेफ स्कोर होता है वो मैंने बता दिया बार बार। चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जाति प्रमाण पत्र आज ही बनवा लें, आप आज ही आवेदन कर दें, क्योंकि आगे फिर बहुत स्टूडेंट का क्या है रिजेक्ट होता है एडमिशन इसके कारण। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।